हम यहाँ पर जानने वाले आईटीएम, ओटीएम और एटीएम के बारे में फुल जानकारी ये दूंगा यहाँ से। तो यहाँ पर जानने वाले आईटीएम, ओटीएम और एटीएम के बारे में फुल जानकारी ये दूंगा यहाँ से। तो सिंपल्स आपको यहाँ पर कॉल साइड में दिख रहा होगा एटीएम और आईटीएम, मतलब एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। तो यहाँ पर फर्स्ट आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये होता है आईटीएम, ये वाला आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। और इधर पुल साइड में ठीक उल्टा होता है ओटीएम, एटीएम और आईटीएम। तो यहाँ पर देख सकते हो इनका मतलब क्या होता है। एटीएम का मतलब होता है इन द मनी, ओटीएम का मतलब आउट ऑफ द मनी और एटीएम का होता है एट द मनी। तीनों आप जान चुके हो। तो सिंपल से आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर सिर्फ ध्यान देना है जितना भी आपको यहाँ पर मतलब जो पीला पार्ट दिख रहा होगा या फिर कोई सा भी, तो आपको यहाँ पर जो भी मतलब चार्ट के अंदर दिखता है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पीला वाला दिखेगा या व्हाइट वाला दिखेगा, पीला वाला या व्हाइट वाला, तो आप चार्ट के अंदर देख लेना, मैं आपको शो अप कर दूंगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, तो सिंपल से आपको यहाँ पर देखो, जैसे कि आई टी एम होता है, मतलब कि आई टी एम मतलब अंदर वाला जो भी रहता है, जैसे यहाँ पर 19,200 का है, 19,200 है, मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 19,200 है, ओके ये हो गया 19,200। अब इससे 19,100 ऐसे, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो अंदर की मनी जाता है, मतलब अंदर अंदर जाता है, जो अंदर की साइड में जाता है होता है इन द मनी, जो होता है कॉल साइड के अंदर, कॉल साइड के अंदर जो अंदर जा रहा है। और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, 1900, 200, यहाँ पर 1900, 1300, 1400 ऐसा, ये होता है हमारा आउट ऑफ द मनी। ठीक इसी के साइड में हमारा पुट साइड दिखता है, कॉल साइड का तो हो गया, अगर इन द मनी जो अंदर की साइड है, मतलब जो अंदर मनी है, और आउट ऑफ द मनी होता है जो हमारे बाहर बाहर जा रहा है, वो होता है कॉल की साइड में आउट ऑफ द मनी, आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है जो। और इधर ठीक उल्टा क्या दिखता है, इधर जो आउट ऑफ द मनी होता है, जो आउट ऑफ द मनी होता है वो होता है बाहर, मतलब अंदर का, जो 1900, 1900, 1900, 1900 ऐसे जो दिखता है आपको, ये होता है आउट ऑफ द मनी। ठीक इसका उल्टा होता है, अपोजिट इसका होता है, तो ये होता है अंदर वाला, ये होता है इधर बाहर वाला। तो हमेशा पुट साइड के अंदर अगर आपको मनी अंदर लेवल दिख रहा है तो वो होता है हमारा ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी। और जो इन द मनी होता है, जो होता है बाहर का प्राइस, जो मतलब बाहर चलता है 1900, 1300, 1400 होता है हमारा इन द मनी, जो कि बाहर बाहर चल रहा है, तो ये हमारा पुट साइड में होता है इन द मनी। अब इस फंडे को आप सिंपल से एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, कॉल की साइड अगर आप देख रहे हो तो इन द मनी का मतलब अंदर वाला प्राइस जो अंदर रहता है 1900 से नीचे नीचे, वो होता है अंदर, 1900 के ऊपर आउट द मनी। एट द मनी जो इस प्राइस पे करंट प्राइस पे अभी चल रहा है, जैसे 19 अभी जो निफ्टी का प्राइस भी रहेगा वो आप करंट प्राइस देख सकते हो, होता है एट द मनी। पुट साइज में क्या रहता है, पुट साइड में आपको यहाँ पर ओ टी एम जो होता है आउट ऑफ द मनी होता है अंदर, जो मतलब जो भी अंदर का भी माल चला गया, जैसे कि 1900, 200, 1900, 1900, ये हो गया हमारा आउट ऑफ द मनी, मतलब आउट है, मतलब आउट आउट हो गया। इन द मनी क्या होता है, जो आने वाला है, जैसे 1900, 1900, 1400, ये पुट कॉल, पुट के साइज का, मतलब पुट जो साइड रहे उसके अंदर का होता है। पुट साइड में इन द मनी ये होता है जो आने वाला है, ओके अब इतना समझ गया होगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, ओ आई केसेस में निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिखा है, अगर ओ टी एम के अंदर ओ आई ज़्यादा होगा, जो आपको मैंने बताया अभी मोबाइल के अंदर ओ आई अगर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस का काम करेगा, तो ओ टी एम के अंदर जो होता है हमारा ये कॉल साइड में ओ टी एम, ये रहा ओ टी एम, इसके अंदर अगर हमारा ओ आई ज़्यादा है, तो ओ आई यहाँ पर दिखा होगा जहाँ पर आपको लिखा है चार्ट के अंदर, ओ आई, ओ आई अगर ज़्यादा है तो होगा हमारा रेसिस्टेंस का काम करेगा। वही इसमें पुट साइड में आपको यहाँ पर आउट ऑफ द मनी देखना है ऊपर का, अगर इसमें ओ आई ज़्यादा है तो हमारा सपोर्ट का काम करेगा, जो कि हमारा प्राइस चल चुका है, जो हो गया गया है, अभी आने वाला है वो हमारा आएगा। तो यहाँ पर हमारा ओ टी एम हो गया पुट साइड में, ओ आई ज़्यादा होगा तो ये होगा हमारा सपोर्ट लेवल बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देख सकते हो ओ टी एम, ओ आई ज़्यादा तो सपोर्ट बनता है, ओके ओ टी एम अगर ओ आई ज़्यादा है तो सपोर्ट बनता है किसमें, पुट साइड में। और अगर कॉल साइड की बात करें तो ओ टी एम, ओ आई ज़्यादा तो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो सिंपल सा इतना सा फंडा है, ओ टी एम, ए टी एम और आईटीएम। तो ये तीनों का आपका फंडा क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो।